दोस्तों, आपने स्मगलिंग के ऊपर बनी बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, जिनमें किसी सामान को अवैध रूप से बाहर ले जाने या देश के भीतर लेकर आना एक बेहद संगीन अपराध है। दोस्तों, स्मगलिंग को रोकने के लिए एयरपोर्ट पर काफी टाइट सिक्योरिटी रखी जाती है। जब भी कोई स्मगलर अपने आप को स्मार्ट और ओवर इंटेलिजेंट समझने की भूल करता है, तो उसका ये गेम उस पर ही भारी पड़ जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एयरपोर्ट पर पकड़ी गई कुछ बेहद अजीबोगरीब चीजों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। ह्यूमन हेड स्मगलिंग। दोस्तों, इंग्लैंड के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उस समय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए जब उन्होंने एक व्यक्ति को अपने साथ एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 18 कटे हुए सिरों को लेकर जाते हुए देखा। दोस्तों, जिसने भी ये नजारा देखा उसकी हवा टाइट हो गई। दोस्तों, एयरपोर्ट के अधिकारियों ने जब इन सिरों को लेकर जाने वाले आदमी से पूछा कि वो इनको कहां ले जा रहा था, तो उसने बताया कि वो इनको लेकर स्पेन जाना चाह रहा था। वो एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के इस सामान को लीगल तौर पर इंग्लैंड से स्पेन ट्रांसपोर्ट कर रहा था। दरअसल दोस्तों, इन ह्यूमन हेड्स को स्पेन के मेडिकल कॉलेज में ले जाना था, जहां पर स्टूडेंट्स इनके ऊपर स्टडी करते। दोस्तों, जब अधिकारियों ने इसके सारे पेपर चेक किए तो वो सब सही निकले और दोस्तों जिसके बाद इसको पासिंग दे दी गई। लेकिन दोस्तों, ये अपने आप में एक बेहद ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था। हीरोइन स्मगलिंग। दोस्तों, मोकीस को कोलंबिया से स्पेन हीरोइन लेकर जाना था, जिसके लिए उसने एक बेहद अच्छा आइडिया निकाला। दोस्तों, उसने 4 किलो हीरोइन का प्लास्टर अपने पैर पर बांध लिया और कुछ इस तरीके से शो करने लगा जैसे कि उसका पैर टूटा हुआ है। दोस्तों, जब ये कोलंबिया एयरपोर्ट पहुंचा तो इसने यहाँ की सिक्योरिटी को तो चूना लगा दिया और ये प्लेन में बैठकर स्पेन पहुंच गया। मगर दोस्तों, स्पेन के अधिकारियों ने इसकी कलाकारी को पकड़ लिया। दोस्तों, पकड़े जाने के बाद इसकी हीरोइन तो जब्त हुई ही और स्मगलिंग के जुर्म में 16 साल की जेल भी हो गई। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट ने अधिकारियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि दोस्तों इस तरह की स्मगलिंग का ये अपने आप में एक बेहद रेयर मामला था। कोकीन स्मगलिंग। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई महिला स्मगलिंग करने के लिए अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करा सकती है तो आप क्या कहोगे? जी हां दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। एक महिला ने कुकीन की स्मगलिंग करने के लिए अपने ब्रेस्ट में सर्जरी कराकर कुकीन के पैकेट्स उसमें प्लांट करवा लिए ताकि वो इन्हें एक देश से दूसरे देश के अंदर ले जा सके। दोस्तों, उसके इन दोनों ब्रेस्ट का वजन 3 किलो के आसपास हो गया था। दोस्तों, जब एयरपोर्ट के अधिकारियों को उस पर शक हुआ और उसकी चेकिंग की गई, तो चेकिंग के दौरान इस महिला का एक्सरे किया गया और दोस्तों एक्सरे की रिपोर्ट में उसके ब्रेस्ट में 2 पैकेट नजर आए। भले ही दोस्तों ये महिला पकड़ी गई हो, लेकिन इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया। कोई स्मगलिंग करने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता? जिसके बाद इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और तकरीबन 4 साल की सजा दी गई। स्मगलिंग ऑफ ए लिविंग मैन। दोस्तों, आज तक आपने लोगों को खुद एक देश से दूसरे देश में जाते हुए देखा होगा और उनके सामान को किसी बैग या फिर सूटकेस में देखा होगा। मगर दोस्तों, तब क्या होगा जब सूटकेस में सामान की जगह एक जिंदा आदमी हो? जी हाँ दोस्तों, आजकल जिंदा आदमियों की भी स्मगलिंग होने लगी है। दोस्तों, अफ्रीका में रहने वाले लोग अपने देश की गरीबी और हालात से तंग आकर अक्सर यूरोपियन कंट्रीज में जाने का सपना देखते हैं ताकि वहां पर एक नई और बेहद ज्यादा लग्जीरियस लाइफस्टाइल की शुरुआत कर सके, जिसके लिए दोस्तों वो गैर कानूनी तरीके से यूरोप में एंट्री मारना चाहते हैं, जिस कोशिश में ये भाई साहब पकड़े गए। दोस्तों, देखने में तो ये लग रहा था कि मानो कोई गद्दा है, लेकिन दोस्तों जैसे ही कवर को खोला गया, इसके अंदर से एक जिंदा इंसान निकल आया। दोस्तों, तरकीब तो बेहद अच्छी थी, मगर भाई साहब पकड़े गए। टाइगर स्मगलिंग। दोस्तों, जंगल के सबसे बड़े दानव कहे जाने वाले टाइगर को खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, साल 2010 में बैंकॉक के एयरपोर्ट पर एक महिला जब बड़े से बैग के साथ जाने लगी तो एयरपोर्ट के अधिकारियों ने देखा कि उस महिला का बैग अचानक अपने आप ही हिलने लगा। ये देखकर सिक्योरिटी ऑफिसर को उस पर शक हुआ और दोस्तों जब इन्होंने महिला के बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर मौजूद था बेबी टाइगर, जिसको देखकर एयरपोर्ट के सभी अधिकारी बेहद ज्यादा हैरान हो गए। दोस्तों, इस महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसको एनिमल स्मगलिंग के मामले में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन के दौरान महिला ने बताया कि वो इस बेबी टाइगर को ईरान लेकर जाना चाहती थी, जहां पर उसको इसकी अच्छी कीमत मिल सके। बाद में दोस्तों, इस महिला को पूरे के पूरे 5 साल की सजा हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।